डबल इंजन, डबल इंजन आया है। डबल इंजन की सरकार क्या बनेगी, उसके आसार फिलहाल शुरुआती रुझान पर नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश प्लस पिछड़ता हुआ 40 पर नजर आ रहा है, तेजस्वी प्लस लीड लेता हुआ 72 पर पहुंच गया है। कुल 243 का आंकड़ा, 122 का इंतजार कीजिए, जादुई नंबर 122 है। ये डबल इंजन के जरिए आपने आंकड़े देखे, 72 सीटों पर महागठबंधन आगे बहुत तेजी से अंतर बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम लोगों का जो अनुमान था, जो डाक के मत है, उनका नतीजा उसी तरीके से निकल 76 हो गया। और मुझे लगता है से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह आगे जी, भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पे हम सब लोगों की निगाह थी। मुझे लगता है नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी है उसमें भाजपा को भी नुकसान हुआ है। भाजपा का ये जो पूरा दांव था कि सारी जिम्मेदारी नीतीश के दरवाजे पे फोड़ दो, सारा ठीक रहा। अभी शुरुआती इसको बात के लिए रखिए ना, ये बात के लिए रखिए, रोक के रखिए, काम आएगा। रुमाना आंकड़ा जी, आंकड़ा देखिए किस तरीके से बदल रहा है। एनडीए 42 पर हो गया है, तेजस्वी प्लस 72 पर है, इसमें आरजेडी के अपने 52, कांग्रेस 16 और बाकी सीटें लेफ्ट के खाते से आ रही है। एनडीए 42 गठबंधन 76, ये फासला काफी बढ़ रहा है। सुमित, बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा आगे। अच्छा, जितने आकाशवाणियां हम सुन रहे हैं ज्यादातर बीजेपी के ही कैंडिडेट एनडीए से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू का नाम कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको तमाम सीटों का हिसाब किताब पता है, लेफ्ट 8 सीटों पर आगे चल रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं महागठबंधन? देखिए सुमित जी, लेफ्ट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इस बार स्मार्ट मूव किया और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। और मैं आपको बता दूं, सिवान हो गया, भोजपुर हो गया, आरा वाली जो बेल्ट है इसमें लेफ्ट का अपना आधार वोट है। 20,000 25,000 2015 में भी देखे होंगे कि लेफ्ट के उम्मीदवार को अगर लेफ्ट महागठबंधन में नहीं होता तो नुकसान होता। बिल्कुल, और ये काफ़ी अच्छा अलायंस है कि अगर आप देखें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेफ्ट का अच्छा है, तो मतलब कि वोट ट्रांसफरिंग जो है काफ़ी अच्छी तरह से। रुमाना, बिल्कुल देखिए, 100 से ज़्यादा का आंकड़ा इस वक्त आ चुका है हमारे पास सीटों का हिसाब किताब यहाँ पर, और ऐसे में अभी तक कौन आगे कौन पीछे। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। राघोपुर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मन बना चुका है शायद सीएम चुनना है, इसी वजह से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान है, अभी आधा घंटा ही हुआ है। प्रेम कुमार मंत्री हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, गया शहर से उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है। इसके अलावा चेतन आनंद सिंह डेब्यू कर रहे हैं आरजेडी से, शिहर से वो आगे चल रहे हैं। शरफुद्दीन जेडीयू के यहाँ पर हैट्रिक लगा सकते थे लेकिन वो फिलहाल पिछड़ रहे हैं। अच्छा, अजीत शर्मा कांग्रेस के भागलपुर से एक बार फिर से अपनी सीट बचाते हुए आगे बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस के अजीत शर्मा ने भागलपुर में। और ये देख रहे हैं आप, श्रेयसी सिंह डेब्यू कर रहे हैं, शूटर दिग्विजय सिंह की बेटी, जमुई से बीजेपी की कैंडिडेट श्रेयसी सिंह ने यहां पर बढ़त बना रखी है। तो लगातार ये वो उम्मीदवार जो बढ़त बनाए हुए, बीजेपी के राणा रणधीर सिंह मधुबन से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीजेपी के ही नीतीश मिश्रा झंझारपुर से वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये सीट पिछली बार नीतीश मिश्रा नहीं जीते थे लेकिन इस बार झंझारपुर से नीतीश मिश्रा ने बढ़त बना रखी है। सुमित, जब आप कुछ बोल रही थी संगीता जी ताली बजा रही थी। लोकहा से जेडीयू के लक्ष्मेश्वर प्रसाद आगे चल रहे हैं, मंत्री हैं ये, लोकहा से मंत्री। क्या कहना चाह रही? नहीं सुमित, मैं ये कहना चाह रही थी कि MIM की हम बात कर रहे थे, मुझे पहला रुझान उनके पक्ष में दिखा है, जो कि हाट से, जो कि अररिया में है, शहनवाज आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं अभी MIM. जी, MIM ने भी सीन लगाई, पिछली बार भी एक सीट उपचुनाव में जीती थी। लेकिन देखिए नॉर्थ बिहार का दिलचस्प है, नॉर्थ बिहार में RJD महागठबंधन स्वीप कर रहा है, 12 और 4, 16 सीटें उनके खाते में जा रही है। उलट फेर हुआ है, एनडीए 52 गठबंधन 76, मतलब एनडीए ने तेजी से गठबंधन के साथ अपना फासला कम किया है, एनडीए तेजी से आगे बढ़ा है, एनडीए 52 पर पहुंच गया है और गठबंधन वही 76 पर ही अटका हुआ है। सुमित, इस पर एक रिएक्शन है शुभ रास्ता, और इस बीच एक और बड़ी बात, एक और बड़ा आंकड़ा वो ये कि जेडीयू और बीजेपी इस वक्त बराबर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर 20-20 पर जेडीयू और बीजेपी। रिएक्शन जी, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शुरुआती रुझान है, सिर्फ उनको इसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, थोड़ी तस्वीर और साफ होगी कुछ घंटों बाद। लेकिन मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं, ये एक अपडेट है, मधेपुरा से वो पीछे चल रहे हैं यानी ट्रेल कर रहे हैं जी। तरीके से परिस्थितियाँ चल रही है, आपको लगता है कि ये अंतर बने रहेगा या कम, एनडीए आगे भी बढ़ जाएगा? मुझे एनडीए आगे आते हुए नहीं दिख रहा है लेकिन अंतर बढ़ता हुआ। एक छोटी सी टिप्पणी करनी है कि अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं, LJP का अभी कहीं रुझानों में भी खाता नहीं खुल रहा है, यानी चिराग बुझ रहा है लेकिन लालटेन को रोशनी के कहीं ना कहीं देकर जा रहा है।
संगीता जी सहमत नहीं? मैं इसे थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चिराग बुझने की बात नहीं है, चिराग ने कहाँ पे डैमेज किया है ये देखने की जरूरत है। चिराग ने दूसरों के घर जला दिए हैं, अपनी झोपड़ी बचाने की देखने की जरूरत है कि एनडीए ने कहीं भूल करी थी क्या छोड़ करके चिराग के साथ छोड़। देखिए मिथिलांचल में 12 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है, 6 पर जेडीयू, बीजेपी 4 पर और सीपीआई इस बार खाते में दिखाई दे रही है, रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार का आंकड़ा तो दिख रहा है, लेकिन अब अंतर कितना आ जाएगा? वो एलजेपी का चुनाव चिन्ह झोंपड़ी है, आग लगी हमारी झोंपड़िया में हम गाय मलार। आकाशवाणी जोगीहाट से एमआईएम के शहनवाज आगे चल रहे हैं। तो एमआईएम यहां पर एक सीट पर बढ़त बनाता हुआ, एक तरीके से रुझानों में खाता खोलता हुआ एआईएमआईएम सीमांचल में। और इस बीच अब लीजिए वो क्रिकेट का फ्लेवर, क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला भी है और ऐसे में क्रिकेट स्टेडियम में आया ड्रोन नीतीश प्लस 52 तेजस्वी प्लस 76 पर, ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा आपके सामने। हालांकि फासला नीतीश प्लस ने अपना कम किया है तेजस्वी प्लस महागठबंधन से। एक वक्त ऐसा आ गया था जब शुरुआती रुझानों में ही फासला जो है वो करीब दुगने का था, लेकिन अब वो घटकर करीब 24 सीट के आसपास का। सुमित, तो जैसे एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे उसी ओर चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अभी तक। रणवीर जी देखिए, ना तो चिराग जलेगी ना लालटेन जलेगी, जलेगी तो कमल फूल ही खिलेगी। आपका तीर तीर भी चलेगी, बिल्कुल साथ में है, साथ दिख रहा है, चलेंगे आप? नहीं नहीं, आप देख रहे हैं कि हम बराबर हैं। चिराग ने तीर को जला दिया? नहीं नहीं, चिराग तो खुद जल गए, वो तीर को क्या चलाएंगे, तीर चलने वाले होते नहीं, तीर तो वो भगवान का देना है, तो आगे चले। आकाशवाणी से बीजेपी के सुरेश शर्मा आगे। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सुरेश शर्मा आगे चल रहे हैं। सुरेश शर्मा मंत्री हैं और अपनी सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं। पर कुछ कहना चाहता हूं कि अब तो इस तालाब का पानी बदल डालो, क्योंकि कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, तो जेडीयू का बदल जाना शायद कमल के फूल को मुरझाने से बचा पाएगा। कमल नहीं मुरझा रहा है, ये तीर ज़्यादा निशाना चूक रहा है, निशाना चूक तीर बिल्कुल पुराना हो चुका है और तीर अब जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। लालटेन की लौ पूरे बिहार में जलने वाली है। मजदूर और युवा ने युवा तेजस्वी सरकार को चुनने का मन बना लिया था और तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।